धनतेरस की राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं कुछ खास दिखा रही हूँ आज आपको। मेरे ब्लॉग से हट के कुछ चीज़ देखने को मिलेगा, वो है कीड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं दाल साफ कर रही हूँ, सुबह से लगी हुई हूँ। और आज जो है ये है धनतेरस की सुबह का, धनतेरस की सुबह का दिन है ये। तो मैं यहाँ पे जो है दाल न्यू पैकेट से निकाल के डब्बे में भर रही थी, और डब्बे में भरते समय मेरी नज़र पड़ी एक कीड़े के ऊपर और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। उसके बाद मैं सारी सारी 1 किलो दाल लेके धूप में बैठी हूँ, 1 घंटे तक साफ़ करती रही करती रही करती रही, और वो कीड़े निकलते रहे निकलते रहे और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बस वो सुबह के बाद जो है मेरे जो है छक्के छूट गए कि बिल्कुल नई दाल पैकेट से निकलती हुई, जबकि पैकेट के अंदर नहीं था कुछ भी। लेकिन जब मैंने पैकेट खोला, डब्बे में डाला, तो पूरा जो है साफ साफ दिखने लग गया। तो मैंने पहले जो है सारी दाल धूप में सुखाई आधा घंटा, और जब मैंने नोटिस किया कि कीड़े बहुत ज़्यादा हैं, तब फिर मैंने ये जो है नुस्खा अपनाया। इसको छानूंगी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती। इसको मैं अच्छे से छान रही हूँ, और छानने के बाद जो मेरी बची हुई दाल होगी ना, उसको मैं कड़क धूप में लेके जाऊंगी, छत पे लेके जाऊंगी आई गेस। तब तक मैं इसको यहाँ पर है 1 किलो दाल अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और जब ये 1 किलो दाल ख़राब निकली ना, उसके बाद मुझे लगा कि शायद बाकी दाल में भी पंगा हो सकता है। तो मैंने बाकी सारे डब्बे खाली किए और उनको भी जो है सही से बाहर धूप में किया। हालांकि वो ख़राब नहीं निकले, बट फिर भी होता है ना कि जब एक चीज़ ख़राब निकलती है तो आपके दिमाग में वहम बैठ जाता है कि दूसरी चीज़ें भी ख़राब हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने शीट वगैरह बिछा दी थी, गैलरी में धूप अच्छी आई हुई थी। हालांकि गैलरी में हमारे यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं रहती है, इसलिए मैं ये सभी दालों को लेके जाऊँगी छत पे। और यकीन नहीं होता कि सफाई करने के टाइम पे ये सब निकलेगा। हालांकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही किचन साफ़ करी है, और जैसे कि आपको पता है कि दिवाली है, दिवाली में पकौड़े वगैरह बनते हैं, इसलिए मैं चने की दाल ज़्यादा लेकर आई थी, ताकि चने की दाल को पीस के जो है मैं बेसन बनाऊंगी और फिर उससे फ्रेश फ्रेश पकौड़े निकालूंगी। इसलिए मैंने 1 किलो दाल करी थी, लेकिन ये होगा ये मुझे नहीं पता था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? मैं यहाँ पर आ रखी हूँ छत पे, और जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं अपनी दाल को धूप लगाने के लिए आई हूँ। दाल में ना पता नहीं क्यों नए पैकेट के अंदर ही कीड़े निकले हैं, और यूज़ भी नहीं किए। 1 किलो दाल मैंने मंगवाई थी और उसी के अंदर ही जो है ख़राब निकले। आपने देखा है कि मैंने इसको छाना है, थोड़ा सा साफ़ किया है, और अब मैं धूप में रख रही हूँ। मम्मी से मुझे पूछना पड़ा कि क्या करूँ, क्योंकि मैंने ऐसी सिचुएशन बहुत कम फेस करी है, लेकिन इस बार दाल बहुत ज़्यादा ख़राब आई है। बट अजय कहाँ से लेकर आए हैं ये मुझे नहीं पता, और अजय को भी याद नहीं कि अजय दाल कहाँ से लेकर आए, क्योंकि आधा आधा किलो के 2 पैकेट थे। तो अब मैं जो है इसको धूप लगा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं दाल की पोटली बनाकर लेकर आई थी, जितना भी छानी थी, पूरी 1 किलो दाल मैंने छानी थी। तो मेरे पास है चना दाल। तो एक्चुअली मेरे बालकनी में इतनी अच्छी धूप नहीं लगती है, इसलिए मैं छत पे लेकर आई हूँ। फर्स्ट टाइम मैं छत पे जो है कुछ सामान बिछाने के लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पे पूरा दिन जो है धूप रहेगी, वो भी कड़क धूप। ज़मीन पे भी जो है तपत लगती रहेगी और धूप भी लगती रहेगी। इससे क्या कि कीड़े मर जाएंगे और बाद में मुझे जो है साफ़ करने में आसानी होगी। ये मैंने मम्मी से पूछा था, तब उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि वैसे मेरी किचन में ऐसे काम होते नहीं हैं। कभी साल में एक बार ऐसा हो जाए तो ठीक है, बट ये जो हुआ है ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो मैं मम्मी से पूछ के जो है सारा छान कर घर पर लेकर आई हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अब मुझे मैं इसको ना उसके ऊपर चुन्नी डाल दूंगी, और चुन्नी से क्या होगा कि जो पंछी हैं या जो बर्ड्स वगैरह हैं वो दाल खाएंगी नहीं, लेकिन इससे क्या कीड़े भाग जाएंगे और मर जाएंगे। तो बस मैं जो है चुन्नी वगैरह इसके ऊपर डाल दूंगी। मैं अभी लेकर नहीं आई हूँ, बाद में लेकर आऊँगी। तब तक इसको मैं 2 दाल लेकर आई थी, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि 1 दाल ख़राब निकल गई। तो मैंने जो है वापस फिर से सारी दालें बाहर निकाल के चेक करी हैं कि कुछ और ख़राब तो नहीं है, बट कुछ ख़राब नहीं था, बस यही दाल जो है ख़राब निकली है। अब मैं जाती हूँ नीचे तैयारी करने के लिए। तो ये है मेरे धनतेरस वाले दिन, जब 4 बजे का मुहूर्त था धनतेरस का, तब का है, तब मैंने जो है सारी प्रिपरेशन कर ली थी। और यहाँ पर धनतेरस वाले दिन जो है हम लोग 5 दिए जलाते हैं, और एक तो मंदिर में जलता ही है। मैंने मंदिर प्रॉपर तरीके से साफ़ वगैरह करके मैं आपको दिखा रही हूँ।
और मैंने हाथों हाथ ही साफ़ किया है। जिस दिन धनतेरस था उसी दिन नहा धो के सारा मंदिर साफ़ किए और वंदन वार लगाए हैं और शुभ लाभ लिखा है। और ये देखो मेरी प्यारी सी रंगोली और ये जो मैं कुजे लेकर आई थी ना, इनको मैंने इस तरह से रख दिए हैं। और जो मैं स्टेंसिल लेकर आई थी, मैंने ये जो 50 और 100 रुपये के जो मैं स्टेंसिल लेकर आई थी ना, उससे काफ़ी अच्छी रंगोली बनी है। और ये आप देख सकते हो साथ में आरवी खड़ी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ बाद में मैं इनका कुछ करने वाली हूँ कुजों का, तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट इसमें बताऊँगी। मैंने कुछ ना किया है इनके साथ में, DIY किया है मैंने इनके साथ में, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये है हमारे एंट्रेंस गेट का। तो शाम को जो है दिए भी लगा दिए थे और ये है माता जी के पैर बना दिए थे, जैसे कि हम लोग हर दिवाली बनाते हैं। तो ये है मेरा पूरा घर जो आज जगमगा रहा है, आप देख सकते हो, आपको बहुत पसंद आएगा। और बालकनी में भी हमने लाइट्स लगवा दी हैं, तो ये आप देख सकते हो। और प्रॉब्लम ये है कि मौसम बहुत ख़राब हो रखा है और इस काफ़ी डरे हुए हैं कि ये लाइट्स वगैरह पता नहीं हम लोग कब तक जला पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो है लाइट्स लगा दी। और ये इस घर की पहली दीपावली है और ये कुछ इस तरीके से हम लोग बना रहे हैं। ये पहला लास्ट दीपावली में हम लोग यहाँ पर नहीं थे, तो चले फिर। और ये हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं स्वास्तिक। ये हमेशा जो है हमारे नॉर्थ इंडियंस में जितने भी लोग हैं सब समझते हैं, कुछ लोग हाथ से बनाते हैं, कुछ लोग इस तरह का स्टिकर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया है स्टिकर। लास्ट टाइम भी मैं स्टिकर लेकर आई थी, मैं मंदिर के लिए भी स्टिकर लेकर आई थी, तो ये बेहद खूबसूरत लग रहा है। और पूरा का पूरा जो है प्लान ही चौपट हो गया, सारी हटानी पड़ी है हम लोगों को। बाहर हो रही है बारिश जिसके वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता था और लाइटें ख़राब हो जाती, इसलिए यहाँ पर आके लगाना पड़ेगा। तो पंगा हो गया है, बाहर बहुत जोर से बारिश शुरू हो चुकी है जिसके वजह से हम लोगों को जो है सारी लाइटिंग बाहर से हटानी पड़ी है, यानी कि पूरी ऐसा ही होता है पता नहीं क्यों। और ये देखो मेरे हाथ में ना आलता लगा हुआ है, मैंने जो दीवार पे बोल रही हूँ, मैंने जो जमीन पे पैर बनाए हैं ना माता जी के, जो कि त्योहारों पे बनाते हैं, उसके निशान रह गए। ये धीरे धीरे जाएगा, ये देखो यहाँ पर भी ऐसे ऐसे करके ऐसे बनती है मुठ, फिर बाद में उसको उंगली के निशान बना दो तो बहुत अच्छे से माता जी के पैर बन जाते हैं। तो सब चीज बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया यार, और पर मुझे सब चीज हटानी पड़ी है। और हाँ, मैंने 100 रुपए की चीजों से जो है अपने पूरे घर की डेकोरेशन की है। 100 रुपए के ही वो जो दिए मैं लेकर आई थी वो 100 रुपीज के आए थे, वो दो 50-50 का एक आया था, तो मुझे वो ठीक लगा तो मैंने ले लिया। बाकी जो तीनों लड़ियां मैंने लगाई हैं वो भी 100-100 रुपए की हैं। और जो मेन चीज है, जो मैंने अपनी किचन में जो मैंने 100 रुपीज का जो पेपर कट करके नीचे शेल्फ पे बिछाया है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा लुक चेंज हो गया उससे। तो अगर आप किचन एक बार सेट करके उसको दिखाओगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। मैंने आपको वैसे दिखा दिया है तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, काफी अच्छा। लेकिन और जो मैंने रंगोली बनाई थी वो भी एक छलनी 50 रुपए की थी और एक 10 रुपए की थी, तो उससे भी जो है रंगोली बहुत प्यारी बनी है। तो आज की जो पूरी सजावट है वो सिर्फ 100-100 रुपए में जो है मैंने दिवाली में सारा सामान किया है। और कल इस बार अभी मैं ना मौसम खराब होने के चक्कर में क्या कहते हैं उसको, चांदी का जो सिक्का है वो नहीं लेके आ पाई। तो जो मेरे पास पिछले साल का सिक्का रखा हुआ था ना, पिछले से पिछले साल का जो सिक्का रखा हुआ था 10 ग्राम का, उससे मैंने आज की पूजा कर ली है। क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि धनतेरस 2 दिन की पड़ेगी, यानी कि 4 बजे से मुहूर्त स्टार्ट है आज की डेट में। आज है 13 है आई गेस, आज 13 तारीख 13 नहीं है, आज 12 है ना। हाँ, तो 12 तारीख के 4 बजे से मुहूर्त स्टार्ट है और कल के आधे दिन तक मुहूर्त रहेगा। तो लोग कुछ लोग कल धनतेरस बनाएंगे, कुछ लोग आज बनाएंगे, तो मैंने आज ही बना लिया और मैं कल भी कर लूंगी, ताकि कोई भी लाइक ऐसा मन में वो ना रहे कि भी मैंने गलत टाइम पे बनाई है, तो इसलिए मैंने बना लिया। और मैंने कहानी पढ़ ली थी, आरती कर ली थी और सुहाग की चुन्नी पहन के कर ली थी, तो इस तरीके से मैंने जो है धनतेरस आज बनाई है। तो मेरे सभी YouTube की फैमिली, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं,
व्यूअर्स हैं और जो आने वाले जो है, जो मुझे सब्सक्राइब करने वाले जो जो व्यूअर्स हैं, उन सभी को हैप्पी धनतेरस। आरु हैप्पी धनतेरस हाय बोलो। हाय। तो और कल मैं थोड़ी सी शॉपिंग के लिए जाऊंगी, तो कल दिन के टाइम में, हाँ कल दिन के हम सब चलेंगे साथ में, ठीक है चलेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ। तो अब जो है मुझे जो जो है थोड़ा बहुत सामान वैसे लेना है, मुझे कल लेकर आनी है मिठाई, मुझे कल लेकर आनी है मिठाई और थोड़े से दिए और 10 दिए और लेकर आने हैं। और हाँ उसके साथ मुझे लेकर आना है चांदी का सिक्का, और कोशिश करूंगी कि चांदी के सिक्के के साथ में मैं लेकर आऊंगी एक कुछ भी बर्तन, कुछ भी छोटा मोटा बर्तन शगुन के हिसाब से लेकर आऊंगी। और बाकी देखते हैं कि वहां पर किस हिसाब का क्या है। बाकी ये मेरे घर की पहली दीपावली है, लास्ट दीपावली मैं अपने ससुराल में थी इसलिए मैंने दीपावली लास्ट टाइम यहाँ नहीं बनाई थी, घर बंद करके गए थे। तो इस घर की ये पहली दीपावली है और मुझे बेहद खुशी है। इस दीपावली को मैं बहुत धूमधाम से बनाना चाहती हूँ। जो भी मेरे मन में थी ना कि मैं अपने घर पे ऐसे तैयारी करूंगी, ऐसे डेकोरेशन करूंगी, वो सब चीज मैंने सोची हुई है। तो देखते हैं। तो आज थी धनतेरस, तो मैंने आपके साथ में इस पूरे उसको शेयर किया। आज पूरा दिन जो है क्लीनिंग में निकल गया, आज पूरा दिन जो है क्लीनिंग में निकल गया। फाइनल क्लीनिंग आज मेरी कंप्लीट हुई है और इसलिए फाइनल क्लीनिंग मेरी आज पूरी हुई है। हाँ हाय बोलना रुको, और हैप्पी दिवाली भी बोल दो सबको। हाँ बोलो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। ऐसे नहीं कर रहा है, हैप्पी धनतेरस। और बहुत सारे पटाखे बनाओ, बहुत सारे पटाखे बनाओ, बहुत सारी मिठाइयाँ खाओ, बहुत सारी मिठाई खाओ, बहुत सारी खेली खेली करो, बहुत सारे खेली खेली करो, मम्मा को परेशान नहीं करना। मम्मा को परेशान नहीं करना। बाय बाय, फ्लाइंग बाय बाय। किस कर रहे हैं। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, उम्मीद के साथ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। हैप्पी धनतेरस सभी लोगों को।